अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है हमारा वो एक जगह पे जाने का है, हमारा खाने का है। आज हमारा बिल्कुल खाने का व्लॉग है मेरी वजह से, क्योंकि मैं आपको पता है खाने का हम बल्कि सारी खाने के शौकीन है। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं सभी भाई? हेवन, न्यू हेवन में Heaven Heart Chicken. हमने भी पहले कभी नहीं खाया वैसे, पहली दफा जा रहे हैं हम। हमारा एक फ्रेंड था, गया हुआ था, हमने स्टेटस देखा, हमने से पूछा इंस्टाग्राम पे ना। लेकिन उसकी तस्वीरें तो ऐसी भी ऐसी लग रही थी शानदार। चले आए देखते हैं कैसा लगता है गाइस, और हम उधर ही जा रहे हैं। गाइस समी और उस्मान बातें कर रहे हैं पाकिस्तान में गाड़ियों के बारे में, कि कौन सी गाड़ी ज्यादा लग्जरी है, कौन सी ज्यादा लग्जरी नहीं है। तो काइंडली काइंडली आप हमें कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तान में अगर गाड़ी लेनी हो तो कौन सी कंपनी की आजकल लेनी चाहिए, क्योंकि हमें टोयोटा और होंडा का, जब तक मैं पाकिस्तान में रहा हूँ तब तक मैं होंडा और टोयोटा के बारे में ज़्यादा सुनता था। आप कौन सी आई हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है। इन दोनों को भी अब काफ़ी 3 साल तो हो गए हैं यहाँ पे, दो साल हो गए हैं। 2 साल में मतलब काफ़ी चेंज आ जाता है, मतलब मेरे में काफ़ी चेंज आया 2 साल में। इनमें तो आना था मतलब ये भाई साहब तो पूरे अंग्रेज हो गए हैं 2 साल में, और ये वाले भाई साहब ऑलमोस्ट अंग्रेज हैं, और मैं तो अब पक्का अंग्रेज हो गया हूँ। देख रहे हैं गोरा भी हो गया हूँ मैं। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है। लेकिन हम बात कर रहे थे कौन सी गाड़ी की, ये नई चाइनीज जो आई है, नाम हमें भी नहीं याद आ रहा, लेकिन सुना है कोई चाइनीज गाड़ी आई है। पीके पे उसकी देखी थी, मतलब चाइनीज गाड़ी है कोई, आप हमें बता सकते हैं? तो इस हम उस गाड़ी की वो नहीं कर रहे प्रमोशन, लेकिन हम ऐसे बात कर रहे थे कि अब वो जो है ना उन्होंने ज्यादा लग्जरी बना दी है गाड़ी, फीचर्स के हिसाब से, मतलब ना अपने कंपटीटर्स को तो सही टफ टाइम दे रहे हैं। इस तरह ये जाहिर सी बात है यार, वहाँ पे मोनोपोली चल रही है ना, कि मतलब टोयोटा और होंडा ही जैसे और वही कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले तक देखा जाए तो टोयोटा देख लो, टोयोटा के अंदर क्रोला 1.3 1.5 1.6 1.8 सेम शेप, सिर्फ एक एयर बैग है सिर्फ स्टेयरिंग में, उसके अलावा एयर बैग नहीं है, क्रूज कंट्रोल, बाकी सारी चीजें जो लग्जरी उधर बनाई हुई है यहाँ की गाड़ियों में। इग्नोर करें इन बातों को, वो सारी एसेंशियल्स है, इग्नोर। यार आज काफी रश है यार समीर ना इस हाईवे पे, यार हम पे रश कब नहीं होता, कब नहीं होता ये तो मैं पूछ रहा हूँ, कब नहीं होता, कब नहीं होता। अबे मैं यही पूछ रहा हूँ कब नहीं होता, वही तो मैं कह रहा हूँ कब नहीं होता। इसका जवाब ये कि हर वक्त होता है। मैं मतलब वही ना, मतलब मैं तो फंस गया, मैंने कहा शायद बता रहा है कब नहीं होता, मैं भी ये पूछ ही रहा हूँ कि कब नहीं होता। गैस ये जो रोड है ना ये न्यूयॉर्क जाती है, ये हाईवे के साथ साथ एक गाँव है, गाँव ही है ना यार, गाँव ही है यार, अभी नहीं गाँव है, खेत खलिहान है अमरीका के, वो देखे गांव में घर भी हैं उधर, ये वेदर फील्ड गांव है, इसका नाम है वेदर फील्ड। देखे यहाँ पे गांव का नाम भी अंग्रेजी में है। भाई तुम दोनों से सवाल है एक, सब इधर आ गया हो ना, एक सवाल है, अगर हमें बर्गर पसंद ना आए चीज खा के मोटे हो जाओ। येल यूनिवर्सिटी है, मजाक थोड़ी है। ये देखें बड़ी अच्छी जगह बनाई हुई है इन्होंने बाहर बैठने को, लेकिन पागलों को ये नहीं पता जनवरी चल रहा है। ये देखें अंदर गाइस माहौल बनाने के लिए सामान भी मौजूद है। ये हमारे समी और ये हमारे उस्मान भाई आगे को दौड़ लगाई हुई है। उस्मान साहेब
जब सात आते हैं ना तो सात चलते हैं, बिला वजह कमांडो नहीं बन जाते होते आगे। फुल सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड। और ये रहा हेवन हार्ट चिकन। सो गाइस, बात कुछ यूं है कि सालों ने जलील करके ना बाहर निकाल दिया, मैं कह रहे हैं कि बाहर खड़े होकर वेट करो, बाहर ठंडा है, बाहर ठंडा है और अब हमारी टांगें कांप रही हैं। लेकिन सीन ये था कि उधर कैपेसिटी नहीं रखी कोई भी नहीं था यार, साले खुद ही काम कर रहे थे। उन्होंने वैसे मैक्सिमम चार लोगों को है ना एंट्रेंस की जा रहे थे। तो चार तो नहीं है ना यार, हम चार तो नहीं थे लेकिन कोई और भी आ सकता है ना, इसलिए उन्होंने बात दुआ लेंगे मेरे से। आप इनका रिव्यू गंदा सा लिखते ना। नहीं नहीं यार, अगर खाना मजे का हुआ ना तो भाई आपका यही मिला करेगा आपको, अगर मैं ना मिलूं ना तो यहाँ आ जाए करना। बर्गर आ गए हैं हमारे, सुमन भी जरा अपना बर्गर खोल के दिखाओ ना हमें। ओ बर्गर और फ्राइज तो उन्होंने आलू मेरे ख्याल से उन्होंने वादू दिए हैं। एंड आई एम गोना गेट अ फ्राई। उस्मान भाई आप कह रहे हैं आपको सूखी फ्राइज खा रहे हो साथ केचप लगा लो। बाबूजी उस्मान समी भाई तो बोल ही नहीं रहे हैं, वो ऐसे मतलब उन्होंने हमें इग्नोर किया कि आई लव द फ्राइज, काफी अरसे बाद खा रहा हूं। कितने टाइम बाद वैसे खा रहे हैं, एक महीना हो गया ना ऑलमोस्ट। ओए यार समी भाई क्या कंट्रोल है आपका। गाइज मेरे जो है अभी ये बर्गर ये पड़ा है डैशबोर्ड पे, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा जब इनका खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं अपना डब्बा खोलूंगा। और ये जो है ना भाई साहब ये दोनों इनके फिर जनाब खुशबू से पागल मुझेंगे ये। और उन्होंने हमें कहा कि व्हाट स्पाइस लेवल यू नीड, और अदील भाई ने लिया अपने लिए माइल्ड, मैंने लिया मीडियम, और सभी भाई कहते हैं जीता। सभी भाई आपने खाया हॉट, और ये अपने हॉट खाने के बाद ना काइंडली पेट में ही रखना। ओके गाइस अब खाना का टाइम हो गया, हम आपसे बाद में मिलते हैं, खा के बताएंगे। न्यू हेवन के अंदर येल यूनिवर्सिटी है, बता वन ऑफ द बेस्ट आईवी। अंग्रेजी में बता दे बेशक, हमारे व्यूअर्स अंग्रेज भी हैं। ओके गाइस हमने बर्गर खा लिया, समी का बर्गर बड़ा मजे का था, उस्मान का बर्गर बड़ा मजे का था, मेरे यारा बर्गर तो सालों ने उबाल के सिर्फ फ्राई किया हुआ था, इतना फिक्का था। क्यों मंगिया सी माइल्ड? अबे मैं क्या, मुझे लगा कि ज्यादा स्पाइसी, मैं स्पाइसी खाता नहीं यार मतलब। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरा था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, जो मुझे जो फ्राइज दी थी साथ जिन्हें चिप्स कहते हैं हम, उनमें मसाला डाला हुआ था उन्होंने, तो मैं फिर साथ आलू खा रहा था मसाले वाले, तो बर्गर के साथ ठीक लगा। क्रंची बिस्किट था, जूसी क्रंची बर्गर था, जूसी था, अच्छा था। सो गाइस अब हम घर जा रहे हैं, आज का व्लॉग समी फिर खत्म हो रहा है उस्मान, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और भी सब कुछ करें, और भी सब कुछ करें, तो शाद रहें, आबाद रहें, और हमें दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।